एल्डिहाइड से, क्योंकि तो उनके लिए सही होता ही याद है नहीं है। रवि, नहीं होता है, सही बोले हो। ठीक है, ये सारा नोट्स में किया गया है ना, केमिकल टेक्स्ट वाला नोट्स देखना, वहां पे सारा चीज है ना मेंशन है, एक्सेप्शन है या कोई बोलते कीटोन के हैं लिए कि तो नोट है। आयोडोफॉर्म लग हाँ, जाता है, कीटोन कीटोन के तो लिए होता है ना आइडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म लग जाता है मिथाइल कीटोनों से। सिर्फ हाँ आइडोफॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कीटोन के लिए और कोई भी टेस्ट होता है अगर वो टू 2 या 3 पे लगा हुआ है। और थ्री पे कीटोन के लिए, तो कीटोन सिर्फ 3 पे है। का मोस्टली जो होता है एल्डिहाइड का टेस्ट से हम लोग ना फाइंड करते हैं। ठीक है, और कीटोन का तो यही आइडो, आइडोफॉर्म भी कर सकते हो आप, और तो आप डीएनपी में 2,4-DNP 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए होता है? 2-DNP टेस्ट किसको आइडिया है? एल्डिहाइड हाँ, के लिए होता है तो ना, एल्डिहाइड के वहां पे आप लिए कैसे होता है। डिफाइन, हाँ 2,4-DNP टेस्ट आपको कलर बताता है ना, कंपाउंड जो बन जाता है वहां पे कलर बताएगा ना, है कि नहीं? टू यस फोर यस डीएनपी सर, टेस्ट किसके लिए होता है? ध्यान रखना, कार्बोनिल कलर का, याद है ना, मतलब कार्बोनिल के, स्ट्रक्चर कार्बोनिल ही देखो, होता है एल्डिहाइड ना, ऑरेंज कलर होता है शायद से। हाँ कीटोन दोनों देता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन दोनों देगा यहाँ पे, 2,4-DNP टेस्ट दोनों के लिए होता है ना, सिर्फ कार्बोक्सिल दोनों नहीं टेस्ट देगा ना, देता है। कार्बोक्सिल नहीं देता, ठीक है, कौन सा? कार्बोक्सिल नहीं देगा ना डीएनपी, कार्बोक्सिल डीएनपी। ना ना ना, कार्बोक्सिल नहीं देगा। ठीक है, तो 2,4-DNP टेस्ट का ना इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर 2,4-DNP कैसा दिखता है ना, ये आप सर लोग ध्यान रखना है ना। टेस्ट में ना एक तो रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट में जो बन रहा है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का नाम, ये पूछा जाता है ना बहुत बार, है ना, कि बोल देगा कि 2,4-DNP टेस्ट में प्रोडक्ट जो बनता है उसका कलर क्या है एंड स्ट्रक्चर, तो ये पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना है ना। रेडिश ऑरेंज होता है, ठीक है, ठीक है, ऑरेंज येलो पीपीटी होता है ना। ठीक है, चलो और सबसे आसान क्या तरीका है ना, जब आप लोग प्रैक्टिकल किए होगे ना स्कूल में, सारा टेस्ट हुआ होगा ये, और अगर और टेस्ट चाहिए ना तो गूगल पे अगर आप लिखोगे ना एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्लास 12, तो वहां पे आ जाएगा पूरा, और मैंने शेयर किया था ग्रुप में सारा, पूरा डिटेल में पूरा लिखा हुआ है, जितना भी टेस्ट है हमारे लिए सारा है वहाँ पे, सब टेस्ट है, हाइड्रोफोम एक बार टेस्ट भी है फिर वहाँ पे, से आपका ब्रोमिन कर देंगे। है तो। ठीक है, एक बार और मैं भेज दूंगा है ना, उसको एक बार देख लेना, जो आप लोग स्कूल किए होंगे क्लास 11th और क्लास 12th में भी वही पूछा जाता है ना, जो आप लोग क्लास ओके सर, किए सर होंगे वॉइस क्लास कट हो रही है, 12th सर जो प्रैक्टिकल। वॉइस कट रही है, हाँ, अच्छा वॉइस कट रही है मेरी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, ओके ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इधर तो आप एडजस्ट हो। ठीक है, अच्छा ओके, है ना आवाज आ रही है मेरी? यस सर, चलो थैंक यू बहुत। आज ना, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, PO2 है ना, 23 का, 22 का, 21 का है ना, 19 आपको एक्सरसाइज में दिया गया है जो मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, 18 भी होगा वहाँ पे, 17 का भी होगा ना, सारा होगा, लेकिन लास्ट इयर्स का नहीं है वहाँ पे, है एलडीआई ना की कौन सी फोटो में ये शेयर लास्ट। करी है आपने, आपने एल्कोहल फिनोल भी शेयर करी है। और कौन सा इधर कल हुआ था ये? सर उसकी शेयर हुई थी, आप वाले की शेयर नहीं करी आपने। अल्गेट की टोन ना, मैंने आज 1 मिनट अल्गेट की टोन शेयर किया था ना, कहीं सर दूसरा नहीं ना क्या था, शेयर कर क्या दिया था, आपके साथ, क्या यस सर, यस सर था भूल सर गया तुम्हें? सर। हाँ सर मेरे पास तो नहीं आया सर। शेयर तो है, नहीं है ग्रुप में हो ना, जी सर मैं ग्रुप में हूँ। 1 सेकेंड 1 मिनट, ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट, शेयर किया मैंने एल्डिहाइड कीटोन तो यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, देखो डाउट ग्रुप में अभी मैंने टैग किया है, दिखा अभी, स्लाइड चेंज
ना, अल्डिहाइड कीटोन का सारा मटेरियल से रहा। चलो फर्स्ट आपके सामने ये रहा, 23 में पूछा गया है न्यूमेरिकल बेस है ना, यहाँ पे ये बताना है कौन सा हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, और ये काफी हम लोग हाइड्रोफॉर्म टेस्ट बोलो कौन सा देगा हमारा हेलो क्वेश्चन फॉर्म टेस्ट। तो हेलो फॉर्म टेस्ट होता का क्वेश्चन क्या ट्रिक है, क्या नहीं आ रहा सर, नहीं दिख क्वेश्चन रहा, नहीं आया स्क्रीन में, आ गया अब। अब आया क्वेश्चन, ओके थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो चल रहा है आज भर के, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग है, चूड़ी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इधर है ना। आप क्वेश्चन दिखा आप लोग को, क्वेश्चन यस सर, दिख रहा है, यस सर, चलो यहाँ पे हमें ये बताना कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा है ना। ठीक है, तो हेलो फॉर्म टेस्ट क्या सर दो ट्रिक देंगे क्या यहाँ पे है, दो। एक तो आपका ये होना चाहिए C6 है ना, हाँ ये ना अच्छा तीन C6 देंगे। ठीक है ओके। क्या ये देगा, सभी लोग ध्यान से देखो क्या ये देगा, क्योंकि इससे कुछ पूछा गया है, कल भी हम लोगों ने देखा आज भी दिखा, इसका मतलब इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा, सर ये दो काफी देंगे ज्यादा दो, इम्पोर्टेंट है। ये देगा नहीं, ये देगा नहीं, क्या ये देगा नहीं, ये देगा बताओ, ये बताओ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो देगा कि नहीं देगा ये बताओ, सर नहीं भी सर, चल नहीं रहा ये देगा कुछ, चल नहीं रहा सर जी, सर कल हाँ आपका क्या सर पोज क्या बोलो, हो गई थी स्क्रीन को स्क्रीन फ्रीज हो गई, एक सर, सेकेंड एक स्क्रीन पे शो नहीं कर सेकेंड रहा जो आप लिख रहे हो। ओके ओके ओके, इसका मतलब नेटवर्क ज़्यादा स्लो है, 1 मिनट 1 मिनट स्लो ज़्यादा है, एक सेकेंड रुकना बस, 1 मिनट 1 मिनट 1 सेकेंड रुको बस, चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैमरा कैमरा ऑफ कर दो शायद ठीक हो जाए। 1 मिनट 1 मिनट, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है आज इधर, ठीक है ठीक है, अब आएगा है ना, ठीक है अब नेट सही हो गया है ना, ठीक है अब दिख रहा है स्क्रीन पे सारा चीज जो लिखा हुआ है सबको, यस सर, है ना। चलो तो यहाँ पे ये बताना कौन सा हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है तो दो कंडीशन, दो तीन कंडीशन होती है चेक करने का, एक तो मैंने लिख दिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही तो वॉइस नहीं आ रही आपकी सर, वीडियो ही बंद हो गई आपकी। कोई नहीं आज के लिए बस आप लोग कोऑपरेट करो है ना, ठीक है सबको दिख रहा है ना, बोलो सर एक बार कंडीशन बता दो हेलो फॉर्म की, सब 1 मिनट में बता रहा हूँ ना, आज पांचवा थोड़ा आप हेलो फॉर्म सभी लोग ने सारा कंपाउंड एक बार देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार पूछा गया है तो आपसे में भी पूछा जा सकता है ना, एक तो मेन ये होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए जो क्वेश्चन के अनुसार, एक ये देखो मैं दिख रहा है कि ये ऐसा केस दिख रहा है,
OH हो और पास वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, पास वाले क्या हो CH3 हो, और एक ये भी हो जाए तब भी होगा, है ना। ये सब सारा नोट्स क्लास नोट्स हुआ हुआ है ना, तीन केस है ना। अगर ऐसा कहीं दिखे तो वहां पे हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, है ना, आइडो फॉर्म टेस्ट, ब्रोमो आइडो, है ना, सारा होगा। ठीक है, फिफ्थ तो फिफ्थ वाला भी तो देगा। वाला देगा, फिफ्थ इसके नीचे का वाला सेकंड भी देगा डी सी डी ई, कौन सा बोर्ड रहे देगा बताओ। आपको चैट कौन देगा, बस आपको ये बताना है कितने कंपाउंड जो है यहाँ पे हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, कौन कौन देगा बताओ। दो दे रहे हैं सर। केवल आपको देगा ये एंड सी देगा सी सर, देगा, ठीक सी है, और ई तीज और सर, ई नहीं ए देगा सर, ए सी उसके ई सर ए और सी बस। सर। बोलो, सर जी ई नहीं देगा, उसमें ही तो एच ग्रुप लगा है सर। बी देगा कि नहीं, बी बताओ। डी भी देगा सर जी, नहीं सर, लेकिन डी में वो CH2 है वहां पे सर, वो नहीं देगा। बी देगा कि नहीं पहले बी बताओ, सर बी डी नहीं देगा, देगा सर, बी 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 डी नहीं, बी नहीं देगा सर। देगा, बी नहीं देगा, इसमें आ जाओ। लेकिन पता है उस लेवल तक अगर आप जाओगे तो नहीं देगा ये, है सर ना, आपकी स्क्रीन कैसे हो गई सर, पीडीएफ नहीं हो रही प्रेजेंट, नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है। पीडीएफ नहीं हो रही, अब आ गई। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, आप थोड़ा दिक्कत होगा इस हमारे तरफ, है ना, वाईफाई काम नहीं कर रहा है कौन से स्टेट में आप, तो मोबाइल। कौन से स्टेट में आप, हाँ बोलो, ये देगा डी डेनवर देगा, डी 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 देगा बताओ, नो सर, डी देगा, डी नहीं देगा, नहीं दे, ई देगा, नो सर, ई नहीं देगा, देगा देगा सर, यस सर देगा, ई देगा, यस एफ देगा, देगा, सर, नो सर, नो देगा, 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 है ना, तो ए सी ई, ठीक है, जी सर। क्लियर है, चलो अब इसमें आ जाओ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग रिएजेंट, अब बताओ फेलिंग रिएजेंट पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रीन में सबको दिख रहा है स्क्रीन, CU2+5 बस बस हो गया, बस बस अब क्वेश्चन हो गया, क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन CU2 कितना होगा, कॉपर, कॉपर 2+ यूज करते हैं ना हम लोग, तो कॉपर 2+ में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो, कॉपर का वन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना सर, क्या होता है। एक ही होगा सर, 3D10 4S1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, वन, तो एन हमारा वन वन हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू सर, CU2+ वन इंटू वन प्लस टू सर इंटू वन, है ना, तो CU2+2+ है ना, हाँ थ्री डी 2+ नाइन नहीं है, होगा, 3D9 हो जाएगा ना, कॉपर सर टू 3D9 प्लस हो का, जाएगा। हाँ हाँ फिर भी एक ही आएगा, है ना, ठीक तब वही रहेगा, वही है, फिर रहेगा भी एक ही आएगा, है ना, फोर, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये खाली है, तो एन हमारा वन आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा तो कौन सा, एन इंटू एन प्लस टू इंटू एन हमारा क्या है यहाँ पे वन, ठीक है, समझ गए ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो फेलिंग रीजन कौन सा आयन यूज होता है ना, कॉपर CO2 यूज होता है ना, याद रखना है ना, तो कॉपर 2+ तो वन के पॉइंट लिए पूछ रहा सेवन था में क्या, एक आएगा तो 2 लिख देंगे ना सीधा,
1.7 है तो फिर 2 लिखोगे, यस ठीक है। चलो आगे चले हम लोग, यहाँ पे 2 आएगा आंसर, इसमें किसी को दिक्कत है कहीं पे? आगे चले हम लोग, तो ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। सर तू कैसे आ गया? चलो सर तू इसमें कैसे आ बताओ, गया? बन जाएगा 1 नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आएगा 2 से कम आएगा, 1 से सर, ज्यादा तुम आएगा कर 2 से दो कम आएगा, सर, टू आंसर अप्रोक्स करेंगे। 2 आएगा, अप्रोक्स 2 आएगा ना, √3 आ जाएगा ना यहाँ से, तो यस √3 सर, कितना होता है, 1.3, तो 7 वन थ्री अगर 0.5 से ज्यादा है तो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 2, ठीक है। अगर यहाँ 0.5 ओके सर। होता तो फिर नॉर्मल करते हैं ना, वो राउंड ऑफ इंटीजर जो होता है ना वैसे करना है। इसमें बताओ नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट ए, जब प्रोडक्ट बनाओ पहले तो इसका, ये बताओ ये कहाँ अटैक करेगा पहले, ये बताओ, ये बोलो ये पहले क्या करेगा, बोलो सोच के बताओ ये पहले क्या करेगा, बोलो बोलो ये क्या है पहले, बेस है ना, यस सर, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस की तरफ फर्स्ट स्टेप में ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ये लेगा, जिसे अल्फा हाइड्रोजन ये लेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब आपको दिखा कुछ, ये नेगेटिव यहाँ कर सर देगा इंटर अटैक, मॉलिक्यूलर एलोल हाँ, और यहाँ से क्या है, समझ में आएगा। अब बना के बताओ कि वहां पे कायरल कार्बन कितना बन रहा है, ठीक है करो आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ, पहले प्रोडक्ट बनाने पर इससे प्रोडक्ट आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ, अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या किया इसने, एक्सेप्ट कर लिया, छीन लिया यहाँ से, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये यहाँ पे कैसा बिहेव करने लगा, आप न्यूक्लियोफाइल की तरह है ना, ये यहाँ पे किया इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव हुआ, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे वापस आया और OET यहाँ से गैप हो गया है ना, ठीक है ठीक है। तो रिंग कितना मेंबर रिंग बनेगा, रिंग बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर रिंग बनेगा यहाँ पे, तो जैसे 6 मेंबर रिंग बनेगा है ना, 6 मेंबर रिंग बनाओ पहले आप लोग, एक तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गया ना, और एंड इसके बाद आपको 6 मेंबर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है आपका CH3, और यहीं पे बनाना है 6 मेमोरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किया अटैक इस वाले कार्बन पे है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे काउंट, एक मिनट कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा उसको हम लोग चेक करते हैं, एक रुक जाओ, अगर इसको 1 दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो इसको दे दिया आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है ना, बोलो, तो 5 पे हमारा ये आ गया, कीटोन आ गया है ना, और यहाँ पे ये डबल, समझ गए ना कैसे मैं सारा चीज कर रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है, बताओ आया नंबरिंग करके आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा है ना, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है ना कि यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा है ना, सिंपल है, नंबरिंग कर दो और आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे हमारा हो गया। अब बताओ कितने कैरल कार्बन है, तो कैरल कार्बन क्या चेक करोगे, कार्बन देखो और चारों ग्रुप हमारा डिफरेंट होना चाहिए, X, Y, Z, W, कितने कार्बन है यहाँ पे जहाँ पे लगे हुए एटम और लगे हुए ग्रुप अलग है, काउंट करो सबका, ये होगा नहीं, इस तो ये गैप हो गया यहाँ पे, आ जाओ ये है, बोलो दो क्या ये, होंगे, दो होंगे सर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा ये वाला। ये भी नहीं, एक यहाँ दिख रहा है,
और बताओ यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है क्लियर है। तो आपके पास दो कायरल कार्बन है, वन टू, तो नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट कितना होगा, टू। आंसर क्या हो जाएगा, स्पिन पोज पहुंच हो गई, हो गए। स्पिन पोज। अब आ रही है, एक मिनट वीडियो ऑन ऑफ करते हैं, शायद सही हो जाए। यस अब आई सर, आई सर। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है समझने में। पहले आपको ये चेक यस करना है कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, किसकी तरह, बेस की तरह। तो इसे चेक, अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, केवल कार्बन नंबर सिक्स पे ही है ना। ठीक है, क्यों है, क्यों कार्बन नंबर सिक्स पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, बताओ एनीवन क्यों है, वाई। -2 -7। हाँ तो ये सारा चीज पता होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है चलो, है ना, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट है यहाँ पे बोलो। पहला स्टेप क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया है ना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन इसलिए हुआ ना क्योंकि सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है, फर्स्ट रीजन, सिक्स मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए बनता ही है। रिंग बनना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, कंपाउंड में अगर रिंग बन रहा है तो पहले वो रिंग बनना चाहेगा, समझ गए आप। तो रिंग अच्छी बात है बनना, है ना। अब ये नहीं कि दो मेंबर रिंग बना रहे हो, थ्री मेंबर रिंग बना रहे हो, सिक्स मेंबर रिंग बनता है ना, स्टेबल होता है ना। उसके पीछे है बहुत सारा रीजन, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का डिक्रीज होने लगता है रिंग बनते ही, है ना। ओके, और एक और रीजन है कि इंटर मॉलिकुलर अटैक है यहाँ पे, एक ही कंपाउंड के अंदर ही अटैक हो रहा है, समझिए आप, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है हमारा ओ ई टी माइनस। ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, कार्बन आयन का जनरेशन होगा, ये कार्बन आयन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर अटैक करते हैं, कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, समझ गया। क्यों कर रहा है अटैक, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, अगर नहीं होता तो नहीं करता, ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या हो जाता, ये अटैक, ये करता अटैक, यहाँ पे ओएच आ जाता, फिर अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आता, फिर क्या जाता, ओएच आ जाता, फिर अल्डोल में, अल्डोल टाइप का हो जाता फिर ये, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ओईटी, इसलिए निकल गया और कीटोन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे CH3 होता फिर नहीं निकलता ये, ठीक है आप, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है ना। आगे चले हम लोग, आगे चले, किसी को डाउट है क्यों है CH3, नहीं, CH3 CH2 माइनस कर रहा है, CH3 थोड़ी कर रहा है यहाँ पे, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, ये क्या है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है ना, एसिड हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ CH2 है और ये H है, ये क्या करेगा, OET माइनस जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2 माइनस हो जाएगा, CH3 नहीं है, CH2 माइनस हो जाएगा फिर, है ना। तो CH2 माइनस होगा, है ना, समझ गए। अब यहाँ पे ये अटैक करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव इज लेस स्टेबल, कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव कौन ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन वाला या ऑक्सीजन वाला, कार्बन वाला होता है ना, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव अनस्टेबल है, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो इजिली अटैक करेगा, ठीक है, वो जल्दी क्या करना चाहेगा कि उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नेचर, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ कर रहा है, सेम टू सेम जो हम लोग अल्डोल में करते थे, याद है अल्डोल में क्या करते थे, एसिड बेस रिएक्शन होता वाला, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एसिड बेस, ठीक है, याद आया।
यहाँ से हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव चार्ज बना लेते थे, है ना, यहाँ पे CH2 आ जाता था, फिर सेम मॉलिक्यूल है ना, सेम मॉलिक्यूल पे हम लोग क्या करते थे, अटैक, यहाँ पे आकर अटैक करा देते थे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता था, है ना, और H2O यूज करते थे हम लोग, है ना, डायल्यूट यूज करते थे, पानी ऑलरेडी है तो पानी से ही क्या करेगा, पानी से ये अपना एक H ले लेगा, तो OH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर हीट करते थे तो पानी निकल जाता था, है ना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता था, है ना, तो ये सेम टू सेम अल्डोल की तरह है ना, ठीक है, अल्डोल रिएक्शन, क्लियर है, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है सर। कृष्णा, एक बार ना आप ट्राई करो, है ना, आपके तरफ कुछ इशू हो सकता है ना, ठीक है, इसमें आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करना सभी लोग, ये भी 23 का ही क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PYQ है, सर स्क्रीन फ्री हो चुकी है। फ्रीज होगी फिर, ओहो अभी अब दिखा, ठीक है, कोई नहीं, आज आज के लिए केवल आप लोग एडजस्ट कर लो, है ना, आज सुबह से ही थोड़ा इशू था इधर नेट का, ठीक है, इसमें ट्राई करो, आपको क्या है, एक्स हमारा हाइड्रोकार्बन है, मॉलिकुलर मास आपको दिया गया है, यहाँ ध्यान रखना MG में है ना, ठीक है, ओके, अच्छा 80 अच्छा कहाँ पे सर मोलर मोल मास कितना हो ऑफ जाएगा, 80 ग्राम ये तो ग्राम पर मोल में ही दिया होगा, है ना, अगर नहीं दिया है तो मोल मोल कितना हो जाएगा इसका, टी लिखना चाहिए था इसको, ये लिखा नहीं है, ग्राम में दिया है कि MG पर मोल में दिया है, मोलर मास से तो ग्राम पर मोल ही होगा ना। मोलर मास तो ग्राम पर मोल में ही होना चाहिए, लेकिन मेंशन होना चाहिए, है ना, चलो हम लोग ग्राम पर मोल ही मान लेते हैं ना, देखते हैं, ठीक है, तो गिवेन मास कितना है हमारा, 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 80, लेकिन ये 10 क्या है, MG में है, तो ग्राम में कैसे चेंज करोगे, मिलीग्राम है तो ग्राम में क्या करोगे, बोलो, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है ना, 10 की पावर जी -3 से ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिंपल पहले ना मोल निकालो यहाँ से, आप लोग खुद ट्राई करो, है ना, मोल निकालो पहले, ठीक है, मोल जैसे निकालोगे ना आप, तो आपको फिर निकालना होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा बेसिकली, ठीक है, इससे ये आइडिया लग जाएगा कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग ओरिजिनलाइसिस करेंगे डबल बॉन्ड का, तब पता चलेगा कितना सर कन्वर्जन के लिए कितनी शक्ति का करना कौन सा, कन्वर्जन के लिए कितनी समय डिपेंड करना पड़ेगा सर बता दो एक बार। 10^-3 mg है ना, सर ऊपर 10 की पावर -3 से। ओके हाँ सर थैंक यू सर। इसमें क्या ओजोन लेयर से कुछ अलग नहीं बनाई फॉर्मेल्डिहाइड और डाईएल्डिहाइड। यहाँ से मोल कितना आ रहा है आप लोग का, 0.125 जीरो 0.125 पॉइंट 125 आ रहा है, ठीक -3 है सर ना, और इसका मोल कितना आ रहा है, H2 का, H2 का मोल निकालो, 0.125 × 10^-3 -3 हो जाएगा। सिंपल सिंपल माइनस वही तो आ रहा है 0.125 मिलीग्राम में भी है वो ग्राम में चेंज माइनस करने थ्री के लिए आएगा वो भाई मिली में आ तो गया, मिलीग्राम में अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर 10^-3 आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख दो 0.125 mmol हो गया ना, ठीक है, यही आ रहा है ना आप लोग का, सर मिनिमम ठीक है, 80 भी हमारा मिलीग्राम में 1000 ग्राम में तो हम्म,
ये ग्राम पर मोल में है, समझ गए आप? इसको आपने 10^-3 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये ग्राम पर मिलीग्राम है, तो ग्राम मिलीग्राम मिलीग्राम कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया, मोल लग गया, तो 1/8 कितना है, 0.825 होता है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा, 0.125 मिली मोल आ गया, समझ गए आप? समझ में आया? 10^3 जो है आपने जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो एज इट इज है ना, इसका कोई यूज थोड़ी हुआ है, इसको बस कन्वर्ट कर दो, मोल सर हो खाली गया के क्या मतलब लिख दो, मिली मोल, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अब इसका मोल निकालो, इसका इसका निकालो, H2 का क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, 22.4, 20.4 22.4, लेकिन ये ML में है, लीटर में होता तो है इसको लीटर में कन्वर्ट करो, सर, 0.375 क्या मल्टीप्लाई 10^-3। इसको करो, तो आंसर क्या भी जाएगा? मिली में निकाल देता हूँ, हाँ इसको, हाँ आ जाएगा, उसी में आएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.375 मिलीमोल। 3/7 है ना, यही आ रहा है ना, 5 mmol, ठीक है। बता मोल अगर वॉल्यूम दिया है ना, अगर आपको वॉल्यूम दिया रहता है, तो मोल जी निकालने के सर, लिए हम लोग यूज करते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, जब वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ML में था, तो पहले आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा है ना, इसलिए हम लोग 10^-3 से सर मल्टीप्लाई कर रहा है, जी ठीक सर, है। अगर लीटर में रहता तो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो है ना, ठीक है। ये ओके दो सर, मोल है ना, ठीक है ना, आप दोनों को डिवाइड करो। बेसिकली हमें ये फाइंड करना है ना कि कितने डबल बॉन्ड है, हम लोग यहाँ से फाइंड करने वाले हैं कितने डबल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर, ये तो आइडिया नहीं है ना कितना डबल बॉन्ड है उसके अंदर ना, ठीक है। इसको से डिवाइड कर, जी आपको डिवाइड करना है 0.375 से डिवाइड करोगे, 0.125 से, तो कितना आ रहा है यहाँ से, 3 आ रहा है बोलो, 3 आ रहा है। इसका सर, मतलब 3 हमारा जो हाँ, अगर 3 आ रहा है इसका मतलब ये होगा 3 डबल बॉन्ड होगा, 3 डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड के अंदर सर, तीन ये कैसे डबल पता बॉन्ड चला यहाँ होने पे वाले। जो सर डिवाइड पे क्यों नहीं, 3 डबल बॉन्ड होंगे सर, है ये कैसे बोलो, पता चला 3 डबल बॉन्ड होंगे इसमें? क्योंकि यहाँ पे जो मोल हम लोग निकाले हैं ना, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसका मतलब आप देखो, ये थोड़ा सा और इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे हम लोग, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, याद आएगा, बोलो, डबल यस बॉन्ड सर, पे H2 लगाते थे हाइड्रोजिनेशन, सिंगल बॉन्ड बन जाता था, याद आया कि नहीं, बोलो। अगर इसका देखो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग हाइड्रोजिनेशन पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन में है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये मोल होगा, जितना ये मोल आपको पता चलेगा, इसका मतलब ये हुआ उतने ही डबल बॉन्ड होंगे, समझ गए आप, जितना H2 मोल होगा उतना ही डबल बॉन्ड होगा, समझ गए आप, बोलो। सर एक बार बना के दिखा दो हाइड्रोजिनेशन में होता है स्ट्रक्चर सर, एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर ये आप समझ गए ना क्यों हम लोग डिवाइड किए हैं, जिससे हमें यस ये आइडिया लग जाए कि कितना हाइड्रोजिनेशन आप किए हो, एक बार करोगे एक तो एक मिलीमोल ही सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो सेकंड बार किए तो सेकंड वाला होगा, 3 बार किए तो थर्ड वाला होगा है ना, जिससे हम लोग बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, याद आया,
रहते रेजोनेंस पढ़ो, याद आया जीओसी में जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ा रहे थे तो मैंने बता रहा था 3 H2 मोल हम लोग यूज करते थे, है ना? बोलो, 3 मोल यूज करते हैं H2 का, क्योंकि यहाँ पे कितने है डबल बॉन्ड हमारे, 3, तो 3 H2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए, 3 मोल H2 मॉलिक्यूल, है ना? ठीक ओके है, क्लियर हो गया? बोलो क्लियर होगा कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है क्यों डिवाइड किया हम लोग? हम लोग को ये पता करना कि आपने कितने बार हाइड्रोजिनेशन किए हो, ये फाइंड करना था कि कितने बार आप हाइड्रोजिनेशन किए हो। एक बार किए रहते इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है, दो बार करते तो दो डबल बॉन्ड है, 3 बार तो 3 डबल बॉन्ड होगा, समझ गया? ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना? डाई ठीक है, इतना इजी नहीं है ना? यहाँ से एल्डिहाइड क्या होता है? डाई एल्डिहाइड डाई एल्डिहाइड का मतलब 2 एल्डिहाइड है। मतलब स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर होगा कैसे इसका? बनेगा? किस ये थोड़ा बनाना है पहले, नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ वहां पे। स्ट्रक्चर डाई एल्डिहाइड तो बनेगा, तो यहां से ये पता चला आपको, तो आपको 3 डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, है ना? 3 डबल बॉन्ड पहले बनाओ आप लोग, मान लो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये होगा, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, अब इसको आप लोग कराना है क्या, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब यहां से ओजोनोलाइसिस जब करोगे ना तो क्या मिलेगा बताओ? जब यहां से आप ओजोनोलाइसिस करोगे क्या होगा ये बताओ, है ना? इसको ब्रेक करोगे, 1 मिनट, तीनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, इसको ब्रेक करो, इसको ऑक्सीजन दो, इसको ऑक्सीजन दो, है ना? तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ? से बस फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे दो जगह, तो दो फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे और दो वो मिलेंगे डाई हाँ, तो दो फॉर्मल्डिहाइड मिल गया एल्डिहाइड। और डाइएल्डिहाइड भी मिल गया। अब तो किसी को दिख रहा है यहाँ से, जो आप जब आप ओजोनोलाइसिस करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, वैलेंसी फ्री होगा, ऑक्सीजन एडिशन कराते हैं हम लोग, इस साल जो ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे थे उस समय मैंने डिटेल में बताया है ना कैसे करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन का 2 वैलेंसी फ्री अच्छा होगा, इससे ऑक्सीजन वहां पे ऐड करते चले जाना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, ये ट्रिक है करने का है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन दे दी इसको, इसको भी दे दिया आपने, इसको ब्रेक किया, इसको ऑक्सीजन दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, है ना? अब यहाँ से ये तीनों गायब होंगे। देखो ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड ओ। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ना? ये आप बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हार्ड आता है ना? ठीक है, चलो मेंस लेवल का, मेंस हार्ड है लेकिन एडवांस लेवल का है, समझ गए ना? इसे ये ब्रेक किए, इस कार्बन को दे दिया आपने ओ, इसको 1 दे दो, इसको 2 3 4 5 6, है ना? फिर क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड ओ, ये 2 कार्बन है, CH डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आ जाओ 4 वाले में, 3 हो गया, 4 आ जाओ, CH डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया हमारा 4 एंड 5, डाई हैलाइड बन गया, डाई अल्डिहाइड बन गया, डाई अल्डिहाइड बन गया हमारा, दिख रहा है सबको? अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट में क्या बचा, 6, CH2 डबल बॉन्ड ओ 6। तो आपको 2 फॉर्मल्डिहाइड बना है, ओके 1 और 6, और 2 आपको मिला है क्या, डाई हैलाइड। सर। डेल डेल अब
बताओ इसमें ओके सर, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? यहाँ पे कम से दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, ये तो सिंपल मोल का यूज हुआ है यहाँ पे, सेकेंड हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे क्या, ओजोनोलाइसिस है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, जेई मेन से तो ये हार्ड में चला जाएगा, मीडियम मीडियम टू हार्ड बोल सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना विजुलाइज कर पाओगे तभी हो पाएगा, है ना, जेई मेन लेवल के, जेई मेन मेन से, एडवांस से नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, लेकिन मेंस के कंपेरिजन में ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम से ऊपर है ना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन जब कर रहे हो, ये क्लास में मैंने बताया था डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, जितना मोल होगा उतना ही डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है बोलो, तो कितना कितनी फ्रेगमेंट हुआ है वही पूछ रहा था, ये कितना फ्रेगमेंट हुआ, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा, 4, आंसर आपका 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप लोग, है ना। ये सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ ये जो मास दिया है ना मोलर मास, यहीं से देखो, ये आपको खुद ना विजुलाइज करना पड़ेगा, ये जो मोलर मास दिया है इस मोलर मास पे यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है चलो ये भी देख लो क्या हम लोग जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है, आप क्यों मानोगे, अगर हम बोल दे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो क्यों होगा, रीजन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, ऐसा नहीं है। चलो अब काउंट ही कर लो कि 80 आ रहा है कि नहीं, अगर 80 नहीं है इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अगर ये 80 नहीं आया तो जो हम लोग सोचें ये गलत है, क्लियर कट, तो 80 आना चाहिए, 80 नहीं आया तो कोई और दूसरा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि मोलर मास जो दिया गया हाइड्रोकार्बन का 80 है और 80 आना चाहिए। ठीक है, तो अब काउंट करो कितने कार्बन है, 6 प्लस सर हाइड्रोजन, काउंट करो यहाँ पे सभी लोग, काउंट करो यहाँ पे जल्दी, 8 न्यू आ रहा हाइड्रोजन कितने हैं, है सर, 80 आ गया होगा। 80, दो यस सर, 8 तीन चार यस पाँच सर, छः सात आठ, यहाँ से 80 आ रहा है कि नहीं, अगर 80 नहीं आ रहा है तो हम लोग गलत है, ये जान, आ रहा है, आया कि नहीं आएगा, यस सर, है यस ना, सर, है ना। 12 6 72 प्लस 8 × 1, 80, 80 आ गया ना, इसका मतलब हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाए ये सही है, अल्टरनेट यस डबल बॉन्ड ही आएगा, अगर आप लगातार डबल बॉन्ड कर दिए तो फिर हमारा 80 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो सर, फिर सकता है कम हो, फॉर्मेलिटी भी नहीं बनेगा ना। हाँ। अब फिर और भी रीजन है कि हमें ये भी चेक करना रहता है, सेकंड केस जो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड भी बनाना है और डाई हलाइड भी बनना चाहिए, डाई हलाइड, तो ये दिया गया है कि आपको अल्टरनेट ही लेना पड़ेगा, अगर आपने साथ में ले लिया तो फिर वहां से वो नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जैसे आप साथ में लोगे, चलो देख लेते हैं, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है देखो क्या हो जाएगा, देखना 1 मिनट, सी डबल बॉन्ड CH, ठीक है मान लो कोई भी है ना, CH3 हो गया है ना, कितने कार्बन, 6 कार्बन चाहिए ना हमें, 1 मिनट रुक जाओ, CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो, 2 3 5 8, ठीक है क्लियर है, यहाँ से भी 80 आएगा, 80 आएगा ना यहाँ से भी, अब आ जाओ, बट हमें बनाना क्या है, डाई एंड फॉर्मल्डिहाइड दोनों बनना चाहिए, अगर दोनों नहीं बन रहा इसका मतलब हम लोग है ना, समझ रहे हो, तो चेक करो अब यहाँ पे, इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड और डाई अल्डिहाइड, अगर नहीं बन रहा है ओजोनोलाइसिस के बाद तो आपका स्ट्रक्चर गलत है ना। आ जाओ आप, 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स, वन पे क्या आ जाएगा? फोर मल्टीप्लाई वन गया, फाइन। आप जो सोच रहे हो सही, मल्टीप्लाई क्या डाई अल्टीमेट भी बन रहा है कि नहीं? अब देखो टू पे क्या आ जाएगा, टू पे तो सी टू बन गया, ये टू है, ये वन है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड वाला भी क्या आ जाएगा, सी टू बन जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ में अल्डिहाइड बनेगा लेकिन डाई अल्डिहाइड नहीं बन रहा है। अब आइडिया लग गया क्यों हम लोग अल्टरनेट हैं, समझ में आ गया? बोलो इसका मतलब फॉर्म अल्डिहाइड तो बन गया, स्क्रीन पॉज हो गया। सर अब आ गया, सर आ गया, आ गया। हाँ, अगर आप लगातार डबल बोन तो फॉर्म अल्डिहाइड तो बन रहा है लेकिन डाई अल्डिहाइड नहीं बन रहा है, तो डाई अल्डिहाइड बनना चाहिए। अभी हम लोग सोच रहे हैं वो सही होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, ठीक है, लेकिन डाई अल्डिहाइड नहीं बन पाया। ये जो स्ट्रक्चर जो आप सोच रहे हो अल्टर नहीं, अल्टरनेट क्यों लिए है, इसके पीछे रीजन समझ, ठीक है? क्लियर हो गया आपको? सर यस सर, ठीक है निखिल, क्लियर है ना? एक एक चीज आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में, ये क्यों हो रहा है, बोल रहे तो क्यों मानोगे, है ना? समझ रहे हो आप, हर चीज का रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया अल्टरनेट और आपने मान लिया, ये सर ने बोल दिया तो चलो ठीक है, क्यों ठीक है इसके पीछे पता होना चाहिए ना। अगर आप ले लोगे लगातार तो गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का लेवल ठीक है ये वाला। चलो इसमें आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? ओहो ये तो इजी है, प्रोडक्ट बना दे। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आया अब? नहीं सर, थोड़ी देर में आ जाएगा अपने आप। आया अभी? अब नो सर, ठीक है, एक सेकंड अपने आप आएगा, रुक जाओ, लग रहा है स्लो हो गया है नेट। ये हार्ड नहीं है, है ना? ये एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल भी नहीं है, है ना? इजी है, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज यील्ड, जल्दी जल्दी। परसेंटेज इल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वेट अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है? तो जल्दी 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 एक्चुअल वेट दिया गया है 6.1, शुरू कर निकालो आप मोल से, जल्दी जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन इजी है ना, ये क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना है पेपर में। 6.1 बेंजोइक एसिड है आपको दिया गया है ना, तो एक मोल से एक मोल बन रहा है ना वहाँ पे, ठीक है? तो पहले मोल निकालो बेंजोइक एसिड का। जितना मोल होगा बेंजोइक एसिड का वही मोल हो जाएगा सेम टू सेम मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का, ठीक है? क्लियर है? सेवन पॉइंट एट आपको दिया गया है थ्योरेटिकल, आपको एक्चुअल वैल्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करो, ठीक है? 6.1 एसिड का है ना। आया? बोलो।
पहले मोल सिंपल कैलकुलेट करो, मोल कितना आ रहा है बेंजोइक एसिड का, मोलर मास सर 0.06 कितना है बताओ, कितना आ रहा है? 2.1। 0.06 एक मिनट, पहले इसका मोल आ जाएगा आपका, मोल कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू मास कितना दिया है 6.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा बेंजोइक एसिड का, 7 कार्बन है, कितना है बताओ? 122। हाँ ये मोल आ गया, सेम मोल तो यही होगा, इसका भी होगा है ना, तो इसका मोलर मास कितना है बताओ, बोलो। ब्रोमिंग का जो ब्रोमिंग का जोड़ तो इसमें कितना आ रहा है बोलो? 30 301। ब्रोमिंग का 301, ब्रोमिंग का 80 होता है ना, तो 122 प्लस 60 कितना आ रहा है? पूरा कह रहा हूँ पूरा 10302 आ रहा है। नो एक मिनट, एक मिनट, सर एक कम हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन में से कम हो सर 202 आएगा। अच्छा एक हाइड्रोजन, हाँ यस यस एक हाइड्रोजन, तो कितना आ रहा है? एक मिनट, 122 प्लस 80 कितना आ रहा है? 8 to 10, 10, 1, 2, 202, एक हाइड्रोजन कम एक आधा, 201, समझ गया? 202 आएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो गया है ना, माइनस वन, तो हो जाएगा 201, ठीक है? बस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मोल है, मोल कितना है? 6.1 डिवाइडेड बाय 122, ये इसका मोल है, मास कितना हो जाएगा? 6.1 डिवाइडेड बाय 122 इनटू मोलर मास 201, ये इसका मास हो जाएगा, थ्योरेटिकल मास हो गया हमारा। परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड हो जाएगा, एक्चुअल कितना है? 7.8 डिवाइडेड बाय, यहां से कितना आ रहा है बताओ? 6. डिवाइडेड बाय 22 इनटू 201 कितना आ रहा है? ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इनटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा है ना, ये वैल्यू जितना आएगा वो यहाँ पे पुट करके 75 कर दो, 75 के आसपास, 75 के आसपास आ रहा है। 75 तो लो देखते हैं, देख क्या कर रहा है, क्या परसेंटेज यील्ड बता, सर मल्टीप्लाई क्यों किया? अच्छा ये क्यों किया मैंने, 201 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यस सर, ये मास निकल रहा है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट वाला, इसका इसका मास निकल रहा है यहाँ से, ब्रोमो बेंजोइक एसिड का मोल है, ये मोल है इसका, हो ये मोल है, 7.8 वाले में से उसको इसके मोल ले लेंगे, इसके मोल ले लेंगे, किसके मोल? प्रोडक्ट का यील्ड बता रहा है, नहीं नहीं इसका मोल आपने निकाला ना, उसमें लेंगे, ये जितना मोल होगा वही मोल इसका हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, 1:1 है ना, बेंजोइक बेंजोइक एसिड का जो मोल निकालोगे ना वही मोल हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का, क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इसी रिएक्शन के सर HCl है। हाँ बोलो, 7.8 वाले को 6.1 वाले से डिवाइड करके करेंगे ना, 7.1 को 7.8 वाले को 6.1 वाले से डिवाइड करके निकालेंगे ना, नहीं 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 6.1 तो आपका 6.1 जो है ना आपका, ये रिएक्टेंट का है, इसका क्यों ये क्यों यूज करोगे आप? आपको परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास निकालोगे ना आप, एक तो थ्योरेटिकल दे दिया है आप, ये आपका ये दे दिया है एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स आप बोलो एक्सपेरिमेंटली जो दिया रहता है 7.1 है, ये आप कैलकुलेट करोगे ना मोल से, समझ में आया? बोलो बोलो, वॉइस बहुत कट कट रही है क्या? हाँ 77 ठीक है सर, ये विवेक अभी हाँ 77 के आसपास जिसका आ रहा है ना, 77 सर 77.6 आ रहा है, तो 78 नियरेस्ट इंटीजर में ले लेंगे। हाँ ये सर सही है ना सर, ये क्वेश्चन तो फिजिकल दे रहा है। हाँ
फिजिकल जैसा है लेकिन ऑर्गेनिक का यूज करा है ना, ठीक है। यील्ड निकालना है हमें, तो ये इसको क्यों डिवाइड करोगे, ये तो रिएक्टेंट का दिया गया था ना मास, ये क्यों डिवाइड करोगे आप, ठीक है। प्रोडक्ट का निकालना है, प्रोडक्ट का ना आपको दिया गया एक्चुअल, तो थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, रिएक्टर का दिया गया तो रिएक्टेंट का मोल निकालोगे, है ना, और सेम मोल प्रोडक्ट का हो जाएगा क्योंकि दोनों का कोफिशियंट वन वन है, समझ गए। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मोल निकालना पड़ेगा आपको इसका, है ना, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का मोल निकाल लिए, और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकल जाएगा, इसका चाहिए हमें। रिएक्टेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है इसको, है ना, रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो जितना वैल्यू आएगा ना यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ करके पुट कर देना, है ना, तो आपको आंसर आ जाएगा 77 या 78 के आसपास, है ना, 77.6 के आसपास आएगा, क्लियर है। ओके, आगे चले हम लोग, इसमें किसी को डाउट है बोलो, क्लियर है ना, तो ध्यान रखना, है ना। आवाज आप लोग इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है, जल्दी जल्दी बोलो, स्क्रीन पर मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद है कैसा होता है, बोलो। अगर मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद हो तो आपका, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेसिटाइल ऑक्साइड। सरी क्या ओके, है, रेडियो एडाइड या फिर सॉरी कीटोन, ठीक है, ये स्किन इसका स्ट्रक्चर है पोज मेसिटाइल ऑक्साइड का। स्किन पोज हो गई, हाँ तो होगी गजब हो पोज गया। होगी पोज एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपने आप ठीक हो जाएगा। होगी इस तरह में। अब आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 17। आपको बताना है टोटल सिग्मा, नहीं सीसी सिग्मा, नहीं, एक मिनट फिर से काउंट करो, सीसी बताना है, सीएच वाला नहीं, है ना, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाना है आपको, कार्बन कार्बन वाला। तो 1 2 3 हाइड्रोजन ज्यादा नहीं, हाइड्रोजन 4 क्या 4 ज्यादा नहीं, 6 वो 11 आ रहा है, 5 सारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 3 8 8, हाँ हाइड्रोजन तो ज्यादा आ रहा है, एक सेकेंड, ओहो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अब सही हो गया ना। सर एच नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, 10 हो गए, तो आपको बताना है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 4 5 5 आ रहा है ना, सिक्स 6 कहाँ से आएगा, फाइव फाइव आएगा, आ रहे सर, सिक्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फाइव नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, है ना, होंगे। 6 कैसे होंगे बताओ, ओके सर, सर डबल बॉन्ड में भी एक काउंट कर गिनेंगे लो। हम, एक हाँ ऑक्सीजन के साथ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ थोड़ी काउंट करना है, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 6 गलत है, 6 थोड़ी होगा, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 है ना। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसका नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन 309, 309 में, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर याद है तो कर पाओगे, नहीं तो गया ये। स्ट्रक्चर याद है आपको 309 का, बोलो, नो सर,
कितना इजी है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहता ना तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, नहीं याद है सबसे टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ओके, तो जो भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन कितना है हमारा, कायरल दो कार्बन बताओ। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हाँ तो है, वन टू, तो आंसर क्या हो जाएगा टू। अच्छा जैसे आप ये जहाँ बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो अच्छा बायोमोलिक्यूल में मिले जो भी स्ट्रक्चर है ना आप ध्यान रखना, जैसे जितना बेस यूज करते हैं डीएनए आरएनए जो बेस है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, नाम दिया रहता है ना। ठीक है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो उससे सवाल पूछ देगा है ना, नाम देगा स्ट्रक्चर नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि जब स्ट्रक्चर ही दे दे तो फिर तो सब लोग कर लेगा है ना। ठीक है, जब सर स्ट्रक्चर ही ट्यूनिंग दे दे, हाँ क्या क्या थ्रियोनीन है, पोटेंशियल अमीनो एसिड है सर, ये वैसी है हाँ अमाइनो एसिड है, नहीं सर, एसेंशियल है या फिर नॉन एसेंशियल? कौन सा थ्रियोनीन। हेलो यस आवाज आ सर, रहा है मेरा, हेलो यस सर, आ रहा है, आ रही है आवाज। हेलो, एक मिनट एक सेकंड रुकना रुकना। आ रही हाँ हाँ क्या बोल रहे थे। ठीक सर, आ रही है, क्लियर है। है ठीक है ओके, आगे चले हम लोग। यस क्या पूछ रहे थे, किसने कुछ पूछ रहा था बोलो। ये सर, मैं कह रहा था सर ये थ्री, एसेंशियल अमीनो एसिड है। हाँ ठीक है, अमाइनो एसिड है। तो जो भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया रहेगा ना बायोमोलिक्यूल में, तो वो ध्यान रखना, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। देखो अब आप ही देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो सबसे टफ हो जाएगा, यही इजी है तो सबसे इजी है, याद है तो सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा आपको, यही स्ट्रक्चर नहीं देगा, बार बार बता रहा हूँ आपको, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, और आपको बायोमोलिक्यूल से जो स्ट्रक्चर मेंशन है वो आपको याद होना पड़ेगा, आरएनए में कौन बेस यूज करते हैं, उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, ये तो बहुत बार पूछ दिया इन लोगों ने है ना। आरएनए और डीएनए में जो बेस यूज करते हैं उसका नाम दे देगा, बोलेगा कि ये बताओ कितने कैरल कार्बन है उसमें, है ना, या बोल देगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो इसमें, याद सर आया हम लोगों ने कॉमन इसमें, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन जल्दी फटाफट, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ए यूज हो रहा है क्या, बी एक्स में क्या यूज सर, करोगे, एक्स में ये बताओ पहले, एक्स में आपको ऐसा होना चाहिए, सी यहाँ पे तो सी एस सी थ्री एच सी एच सी ओ टू है, टू सी एच थ्री सी ओ हाँ टू ये आई वाला, ओ एच ये होना चाहिए ठीक है ना। एनहाइड्राइड होगा। और एक्स तो ये हो जाएगा, वाई क्या होगा बताओ, सर वाई बी है में सर, बी होगा, आपको, सर हाँ अल्कोहल होगा इसकी सॉल्यूशन। हाँ 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 बी होगा, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, सर किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्लियर है सबको, बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे। देखते चल रहे ना, जब दोनों सर अगर दोनों सेम हो जाते हाँ हैं तो फिर दो चीज से होती एक चीज एक चीज बनती है। हाँ ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है Yes. इसमें आ जाओ, एक में हमारा सी ओ एच बॉन्ड टूटेगा, एक में सी एच बॉन्ड टूटेगा। ओ एच, ठीक है, एक सवाल है, मैं आपको ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये जो है ना अपना
CH3 C डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये गया, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की ये तरफ ये पड़ एसपीडी गया। नहीं है, स्प्रिंग, एसपीडी हाँ बनाया ना यस, हमारा एक्स वाला। स्प्रिंग का भी रिएक्शन इसी टाइप का है ना, ये यहाँ से गायब हो जाएगा पूरा, तो ये मिलेगा। ठीक है चलो, इसमें आ जाओ जल्दी जल्दी, इसमें क्या होगा, ये वाला रिएक्शन हम लोग किए हैं क्लास में, भूल तो नहीं गए, एल्डिहाइड का टेस्ट भी बोलते इसको हम लोग, सोडियम डाइसल्फाइड टेस्ट, याद आया, जिसको याद है वो बता देगा। ठीक स्किप है टेस्ट सर, बोलो, स्किप एल्डिहाइड रिएक्शन देता है कीटोन पे, नहीं हो पाता, ठीक है, रिवर्सिबल वाला एरो बना के मैंने बताया होगा आप लोग को, रिएक्शन होता है बट रिवर्सिबल ज़्यादा होता है बैक साइड में, ड्यू टू द क्राउड, साइज इतना बड़ा होता है ना इसका, तो कीटोन पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, हाईली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, होगा कुछ कुछ परसेंटेज के लिए, बाकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है कीटोन के केस में, एल्डिहाइड में प्रॉपर रिएक्शन होता है ना। बताओ कौन सा होगा आंसर हमारा, ए बताओ, ए क्या होगा, उसके बाद तो सारा इजी है, ए क्या होगा हमारा, ये होगा ये होगा ये होगा, सी बोलो ऑप्शन होगा। थी। देखो पहले पहले क्या होगा, ये जो हमारा है सब, ये पूरा ये करेगा अटैक, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, एसिड से एच प्लस ले लेगा, ठीक है, अब देखो आपको ये बनेगा सी वाला, अभी बना है सी बना है, लेकिन ये यहाँ से क्या जाएगा, सी एन माइनस आ जाएगा, अब ये सी एन माइनस आएगा, यहाँ करेगा अटैक, और ये पूरा क्या है, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन अब दिख रहा है, पे नो सर। अब ठीक है, तो इसका मतलब आइदर बी का ए हो जाए या ए का ए हो जाए, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ए हमारा ये है, ये वाला ए है हमारा, ठीक है, अब बी में आ जाओ, बी में क्या कर रहा है, एल आई एल एच फोर रिडक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो रिडक्शन करा के क्या मिलेगा बताओ, CH2NH2 हो जाएगा सर, एल आई एल एच सेम फोर के होगा। प्रेजेंस में सी एन का रिडक्शन क्या होता है, CH2NH2 में चला जाता है सी एन, CH2NH2 हाँ एसिड सी एन जो है हमारा, हाँ CH2NH2 में चला गया, ठीक है CH2NH2 में, तो हाँ आंसर ये हो गया, अब आगे जाना ही नहीं है आपको, सी क्या है हमको नहीं लेना देना, समझ गए आप, आंसर यहीं आ गया आपका, समझ गए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, सर, ये प्रोडक्ट इसमें कैसे किसी बनाएंगे को सर, ये कौन एक सा, एस के ए बनाएंगे वाला, वाला? हाँ ये दोबारा से बता दो सर। देखो ए में क्या हो रहा है ना, देखो ये जो है ना हमारा एन ए एच एस ओ थ्री जो है ना, तो यहाँ से ये नेगेटिव जो है ना हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो ऐसे समझो आप, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, एन ए प्लस करके ऐसे होगा ना, तो ये जाके अटैक करता है यहाँ पे, ये टेस्ट में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आप देखना, वहीं पे हम लोग कवर किए इसको, ये करेगा अटैक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ग्राउंड पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ऑक्सीजन जो है सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी एच सी एल है, एच सी एल से क्या मिल जाएगा इसको, एच प्लस मिल जाएगा, तो ये यहाँ से एच प्लस ले लेगा, तो आपको ये सी सी में जो कंपाउंड बना है ना वैसा दिखेगा, सी में जो बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस सर, ऐसे दिखेगा, हाँ, बट नो आपको ये सर। भी तो दिया गया है ना एन ए सी एन,
एनएससीएन भी दिया है तो सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, अब सीएन माइनस आया, सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से गैप हो जाए, क्यों? इसलिए क्योंकि नहीं ये दिख जो रही। ना नहीं दिख रही, अच्छा लिविंग ग्रुप है एक सर ये। मिनट, इसलिए अब दिखा स्क्रीन, तो ओके हाँ, तो ये लिविंग ग्रुप है ना, इजिली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप जो होगा O3H- है ना, नेगेटिव चार्ज जो है तीन ऑक्सीजन के नो साथ सर, रेजोनेंस करके स्टेबल होता है, अब दिखा, यस सर। ठीक है? तो हमारा जो ए है, ए नथिंग यस बट ए बना। अब इसके बाद क्या करना है, रिडक्शन कर देना Li4 में, तो CN क्या हो जाएगा, CN का रिडक्शन करोगे तो अमाइन का बनता है ना, CH2NH2 बन जाता है, CH2NH2 है ना, तो आपका प्रोडक्ट B बन गया। अब C में क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करा दो, ठीक है, अमाइन का NH2 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, CnH2O8, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच में, ठीक है, जी सर। चलो है ना, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी, मतलब 10 क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, आप ना एक बार देख लेना, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है आज बहुत ज्यादा, है ना, इसमें किसी को डाउट होगा ना आज तो आप जरूर पूछ लेना, है ना, अभी 10 या 12 क्वेश्चन रहे होंगे अभी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, आप लोग ट्राई जरूर कर लेना, है ना, अभी भेज देता हूँ इसको, है यस ना, इसमें किसी को डाउट है ना जरूर पूछ लेना, है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के ओके बाय बाय, टेक केयर, है ना, सर। ठीक है, सर तो एक बात नेटवर्क की पूछनी थी बोलो, सर, सर मैं ये पूछना थैंक यू।